हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मेरे आज की वीडियो में आपको इफेल्स नेस्टेड इफेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, नेस्टेड इफेल्स मतलब ये है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इफ लगाया और यहाँ पे हमारी जो है कंडीशन वन लगाई है ना, और एक्चुअली इसके जस्ट आगे हम लगा देते हैं कंडीशन टू, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ एक्चुअली ये तो मेरी कंडीशन है, लेकिन मुझे एक और कंडीशन चाहिए। उन्होंने मान लीजिए मैंने जैसे एज डाली थी, एज 18 साल से ऊपर हो वही वोट दे पाए, लेकिन मुझे मालूम पड़ा उसके बाद में कि उसकी एज जो है वो 65 से कम होनी चाहिए, तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके अंदर ही। तो यानी कि अगर मेरी पहली कंडीशन यू नो ट्रू है, तो उसके बाद में दूसरी कंडीशन में जाए इफ, एंड एक्चुअली यहाँ पे जो है वो कंडीशन टू आ गई है, कंडीशन टू, ठीक है। एक्चुअली अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्चुअली जो है वो प्रिंट करा दे। इसके अलावा अगर आप चाहे तो कंडीशन थ्री देना चाहे तो एक और इफ लगा के यहाँ पे कंडीशन थ्री जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये तो एक्चुअली इफ पार्ट हो गया। इसके अलावा एक्चुअली एल्स पार्ट में आपको जो स्टेटमेंट डालना है वो स्टेटमेंट डाल सकते हैं, यू नो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मना नहीं करेगा हमको, ऐसा नहीं बोलेगा कि मत डालो। यहाँ पे आज अपना स्टेटमेंट डाल सकते हो अगर इसमें चाहो तो आप, एक और इफ के लिए आपको एक और इफ क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये तो एक्चुअली कुछ तरीका हो गया जिसको हम नेस्टेड लूप नेस्टेड इफेल्स लूप तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने बताया ही नहीं है, सॉरी। ये नेस्टेड इफेल्स है ना, एक्चुअली इसका हम एक नॉर्मली अगर हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे ना तो गाइस आई थिंक मुझे लग रहा है काफ़ी सही रहेगा हमारे लिए। तो हम एक्चुअली इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम तीन वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, इंट ए बी सी एंड मैक्स, ठीक है ना। हमने चार वेरिएबल ले लिए, मैक्स एक्चुअली मैक्स के लिए वो बताएगा, मैक्स के अंदर वो वैल्यू प्रिंट मैं करा दूंगा, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर थ्री वैल्यू, थ्री को एक्चुअली एक साथ प्रिंट करा देंगे, कौन एक्चुअली इतना टाइम वेस्ट करे, यू नो थ्री वैल्यूज आप एक साथ प्रिंट करा सकते हो, ठीक है ना। अब तीन प्रिंट कराना तो आपको मालूम है क्या, तीन बार परसेंट डी आएगी, तीन फॉर्मेट स्ट्रिंग आ गई है ना। एक्चुअली आप एंड ए कोमा एंड बी कोमा एंड सी, ठीक है, कोमा सेपरेट की, ठीक है। अब एक्चुअली तीनों जो है एक साथ एक्चुअली हमें वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअली हम कंडीशन लगाते हैं, जो हमारी सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो एक्चुअली उसको जो चेक करना पड़ेगा वो एक और कंडीशन करनी पड़ेगी, वो है क्या, ए इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो वहाँ पे एक्चुअली खुलेगा और मैक्स के अंदर जो है हमारा वो क्या प्रिंट कराएगा, ए, ठीक है। मैक्स इज इक्वल्स टू ए एक्चुअली, और इसके साथ में एक्चुअली हम मैक्स को प्रिंट तो अभी नहीं करवाएंगे, हम इसको बाहर निकल के कराएंगे, ठीक है। ये हो गया, चलिए एक्चुअली बाहर से हटा देते हैं, अगर चाहे तो ज़रूरी नहीं है ये भी, इनको मैं हटा देता हूँ, यू नो अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि खा पे क्या चल रहा है और खा पे क्या बंद हो रहा है, ठीक है। ये सही है, इसका तो एक्चुअली में लगाना है, ठीक है। पहली अब एक्चुअली यहाँ पे हम आएंगे और एल्स लगाएंगे, और एल्स में एक्चुअली ये लिख देंगे कि एल्स में एक्चुअली मैक्स सिक्स था, मैक्स एम एक्स सी मैक्स इक्वल्स टू सी। अगर ये नहीं है तो एक्चुअली ये अगर ये या तो देखिए ए बी से बड़ा होगा या फिर ए सी से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है तो एक्चुअली अब यहाँ पे देखिए कंडीशन लगाइए, ए सी से अगर सी से अगर ए सी से बड़ा है तो एक्चुअली मैक्स ए आ जाएगा, और अगर एक्चुअली नहीं है तो मैक्स सी आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हमारी हो गई है, ठीक है। अब एक्चुअली अगली कंडीशन हम लगाते हैं इफ बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। बस कंडीशन लगाते जानी है, इसमें हालत ख़राब हो जाएगी हमारी कंडीशन लगा लगा के, और तो क्या कही, यू नो इतने कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है यार क्या, ओके एंड मैक्स इज इक्वल्स टू सी, अगर ऐसा है तो मैक्स इक्वल्स टू बी होगा, सॉरी गाइस एक्चुअली तो हमने इधर लगा लिया, इधर हम बी लगाएंगे, यू नो बी इज ग्रेटर देन सी और मैक्स जो है वो इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। यानी कि बी या तो अगर बी बड़ा होगा तो डेफिनेटली बी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक ही कंडीशन थी, यहाँ पे हमने चेक करा लिया है, अब बचा क्या बी,
ठीक है, इसलिए ऐसे मैंने करा दिया मैक्स बी। अब क्या है एक्चुअली इसमें तो मैंने ब्रासेस की जरूरत ही नहीं है। एक और एस कंडीशन लगाएंगे इसको चेक करने के लिए कि चलो ये सही चल रहा है। अब बचा क्या, बचा है ओनली सी, तो मैक्स में प्रिंट करा देंगे सी, एम एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब एक्चुअली हम करा देते प्रिंट एफ द लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट एफ द लार्जेस्ट वैल्यू, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू लगाऊंगा मैं परसेंट डी, मैंने लगा दिया यहाँ पे ताकि हमको बता देगा। बाहर निकलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली एंड नहीं लगा क्योंकि हम वैल्यू ले नहीं रहे। यहाँ पे जो भी मैक्स का जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, अब एक्चुअली इस टाइप से आ गया है। अब मैं बताता हूँ किस टाइप से हम काम कर रहे हैं। पहले देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, पहले चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि अगर ए बड़ा निकलता है बी से, तो एक्चुअली सीधा जाएगा और चेक करेगा क्या ए जो है वो सी से बड़ा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्चुअली मैक्स ए प्रिंट करा देगा ये, और अगर एल्स अगर सी बड़ा होता है तो मैक्स में सी प्रिंट कराएगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन जाएगा, अगर ये कंडीशन की ट्रू नहीं होती है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी नहीं होता है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट सीधा यहाँ पे आएगा इस जगह पे, और देखिएगा क्या बी जो है वो सी से बड़ा है, बी जो है वो सी से छोटा है। ठीक है, ये देखिएगा अगर बी सी से छोटा होगा तो एक्चुअली क्या करेगा ये, सॉरी गाइस एक्चुअली थोड़ा सा गलती हुई। हाँ, अब ठीक है, बी क्या सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा होगा तो एक्चुअली मैक्स बी प्रिंट कर देगा, उसके बाद में एक्चुअली जाएगा एल्स पे, यानी कि अगर बी सी से बड़ा होगा तो डेफिनेटली मैक्स बी प्रिंट करेगा, क्योंकि ए की कंडीशन तो हमने यहाँ पे चेक कर ली है, ए बड़ा नहीं है, बी से भी बी से बड़ा नहीं है और सी से बड़ा नहीं है। अब बचा गया एक्चुअली मैक्स बी प्रिंट कर देगा, और अगर सी बड़ा होगा तो यहाँ पे वापस एल्स में जाएगा और सी प्रिंट करेगा। इस टाइप से काम करेगा, उसके बाद में हम एक्चुअली प्रिंट एफ कराएंगे द लार्जेस्ट वैल्यू इज परसेंट डी के साथ में मैक्स, यानी कि उसको प्रिंट कराएंगे और रन करा के चेक करते हैं क्या ये सही है। थ्री वैल्यूज एंटर करता हूँ, सबसे पहले ए की वैल्यू एंटर होगी 11, थ्री वैल्यूज में एंटर करो, मैंने ए की 25 स्पेस दे दीजिए, उसका मतलब ये है आपने जैसे स्पेस दिया इसका मतलब आप सेकंड वैल्यू पर चले गए। बी की है मैंने 58 और सी की मैंने की है 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपको मालूम है क्या है, बी है। ओह सॉरी गाइस, एक्चुअली कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, कंडीशन जो लगाई है हमने परसेंट डी एंड थोड़ा सा हम इसको पीछे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि गाइस प्रोग्राम जो है मैंने जितना किया है मेरे, अगर मैं ओपिनियन से बताऊँ तो एक्चुअली तो कुछ गलती मुझे लगती नहीं है प्रोग्राम के अंदर ऑनेस्टली, लेकिन ये जो एरर आ रही है समझ में नहीं आ रहा आकाश रही है। यहाँ हमने एन पे लिया है, तीनों वैल्यू जो है हमने ली उधर से, मैक्स के अंदर ए डाला है। चलिए पहले एक्चुअली ये चेक करते हैं, पहले ए की वैल्यू सबसे बड़ी करके देखते हैं क्या वो ए को सही बता रहे। 45, 50, 60। हाँ देखिए, इस टाइप से एक्चुअली सही हो गया है। पिछली बार भी एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब की बार जो मैंने इसको रन किया ये सही हो गया है, 67, 54, 32। यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 54 है, यानी कि जो है ए की वैल्यू लार्जेस्ट है। ठीक है, वापस से रन करता हूँ, 65, 78 and 35, लार्जेस्ट वैल्यू 78। अब देखिए पिछली बार एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कोडिंग सही थी। एक्चुअली कभी कभार कंपाइलर प्रॉब्लम कर देता है, तो एक्चुअली हमें एक्चुअली जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है। तो इस टाइप से एक्चुअली ये जो है ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ये बनाया गया है नेस्टेड ऑफ इफ एल्स है। इसके अलावा एक्चुअली एक और इफ एल्स में कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं लेटर इफ एल्स। अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो एक्चुअली फेसबुक पे या ट्विटर पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो फेसबुक पेज है वो है
facebook.com/shubhamjahangir05 का URL और जो ट्विटर हैंडल है वो है @shubhamjahangir। इसके अलावा एक्चुअली अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाली और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली मेरी अगर कोई भी वीडियो आए उसका आपको अगर इंस्टेंटली अपडेट मिल जाए तो वहां पे एक्चुअली एक नोटिफिकेशन का बेल का आइकन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।